आप देख रहे हैं भारत का सुप्रसिद्ध यूट्यूब चैनल भारत दर्शन। हेलो गाइस, मैं हूँ रिया और एक बार फिर से मैं लेके आई हूँ आपका फेवरेट शो भारत दर्शन। तो आज हम चलेंगे सांपों की बस्ती, जहाँ पे हजारों की तादाद पे अजगर पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं अजगर दादर। दोस्तों, अब हम अजगर दादर आ गए हैं और हमारे चारों ओर सभी लोग अभी वेटिंग पे हैं। भैया, क्या हम अभी अजगर देखने अंदर जा सकते हैं? नहीं मैम, अभी वेट करना पड़ेगा, अभी अजगर बाहर नहीं निकले हैं। अच्छा, कितने टाइम निकलेंगे भैया? कम से कम आधे पौन घंटे लगेंगे। जी, और चौकीदार ने कहा है जैसे कि अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो सभी लोग वेट कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद हम आपको अजगरों के दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे काफी लोग आए हुए हैं, ये भी आए हैं यहाँ पे, तो चलिए इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। आप लोग कहाँ से आए? देखिए, यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर मंडला जिला है, वहाँ से हम लोग आए हैं। यहाँ सुना तो काफ़ी पहले से था हमने कि ये काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे अजगर के दर्शन करने के लिए। और ये ठंड के मौसम में, मतलब लगभग दिसंबर से फरवरी के आसपास, यहाँ अजगरों के झुंड एकदम निकलते हैं अपने आप को सेकने के लिए, धूप पाने के लिए। अंदर बहुत छोटी छोटी चट्टानें भी हैं बहुत सारी, जहाँ अजगर अपने बिलों से निकल कर बाहर ऐसे धूप सेकते रहते हैं। तो देखिए, चौकीदार ने इशारा कर दिए हैं और अजगर शायद निकलने वाले हैं, तो आइए हम चलते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कैसे इस ठंड के मौसम में अजगर अपने बिलों से बाहर आके धूप सेकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत देर बाद इंतजार करने के बाद एक अजगर दिखाई दे रहा है हमें, तो कहीं वो अंदर ना चले जाए। ये देखिए, ये दिख रहा है अजगर।
डर गई। एक ही देखी, अब आगे दिखाने की मेरी तो हालत ऐसी है नहीं। आगे और देखते हैं। आप कैसा लगा ये हमारा खतरनाक सा एपिसोड? और इसी तरह की खतरनाक एपिसोड लेकर और रोचक एपिसोड लेके हम आगे आपको दिखाएंगे। और अभी के लिए फिलहाल तो मैं रिया अब आपसे विदा लूंगी और अपन मिलेंगे अगले एपिसोड में। ओके, एक मिनट, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए रिया। और अभी के लिए बाय बाय। यदि आपके पास कोई दर्शनीय स्थल या हैरतअंगेज पर्यटन स्थल की जानकारी हो तो कृपया संपर्क करें।